हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है संघाई फेस्टिवल को लेके, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जानते हैं। देखो, हर साल मणिपुर स्टेट के द्वारा बेसिकली मणिपुर संघाई फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाता है 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो इस बार भी इसको आयोजित है वो किया गया है। तो हम कुछ इस फेस्टिवल के बारे में कुछ फैक्ट है वो जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम बात ये है। देखो, ये एक तो पहली बात तो यह है कि संघाई फेस्टिवल आयोजित क्यों किया जाता है। ये फेस्टिवल इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि मणिपुर है वो अपने आप को ऑल ओवर वर्ल्ड में एसेट कर सके टूरिज्म के नज़रिए से। मतलब मणिपुर है वो अपने आप को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के लिए संघाई फेस्टिवल को आयोजित है वो करता है। अब बात करें इसमें होता कैसे डिसीजन में, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो, कुछ फैक्ट है इसमें, जैसे कि एक तो जो वहाँ की मणिपुर की आर्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम ट्राइब्स रहती हैं, तो उनकी आर्ट हुआ, उनका कल्चर हो गया, उनके जो हैंडलूम या हैंडमेड जो प्रोडक्ट हो गए, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए, इसके साथ स्वदेशी स्पोर्ट्स की जो वस्तुएं हो गई, इसके साथ जो उनके द्वारा कारीगरी की है, जो उनके पकवान बने हैं और जो उनका म्यूजिक वगैरह है, जो उनके एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, उन सबको बेसिकली इस मौके पर शोकेस के तौर पर प्रमोट है वो किया जाता है। उनकी एक तरीके से प्रदर्शनी लगाई जाती है, झांकियां हैं वो लगाई जाती हैं। अब हम कुछ और फैक्ट यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखो, संघाई है वो आपको पता है कि एक डियर की एक प्रजाति, हिरण की एक प्रजाति है, जिसके सर पे एंटल या सिंग टाइप में कुछ होते हैं। सिंग टाइप का बेसिकली होता है, देखो आपको एक सेकंड, इसमें आप देख रहे होंगे, देखो ऐसे हिरण होता है और उसके सिर पर काफी सारे सिंग होते हैं, जिस तरीके से 12 सिंग होता है उसी तरीके से यहाँ पे संघाई है वो होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान रखना कि यह मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और सबसे अहम बात क्या है कि जो संघाई हिरण की जो प्रजाति है वो केवल और केवल मणिपुर में ही पाई जाती है। मतलब जो इस टाइप का हिरण के सिंग वाली प्रजाति है वो केवल मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लमजाओ नेशनल पार्क। ये उनका नेचुरल आवास है और यहीं पे केवल पाई जाती है, और यहीं पे आपको पता है कि लोकतक लेक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि लोकतक लेक है कहाँ पे? मणिपुर के केबू लमजाओ नेशनल पार्क में, जो कि इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब जो संघाई हिरण है उसके बारे में एक दो फैक्ट ये है कि इसे आयुसीएन की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है वो किया गया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि आयुसीएन की कौन सी लिस्ट में संघाई को शामिल है वो किया गया। इसके साथ ही देखो, जब भी ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी तो इसमें मणिपुर की एक फेमस मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांग था। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि थांग था कहाँ से रिलेटेड है। तो हमें ध्यान में रखना है कि थांग था जो मार्शल आर्ट है वो मणिपुर की है। इसके साथ ही वहाँ का एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम है रासलीला, बेसिकली उसको भी वहाँ पे परफॉर्मेंस के तौर पे किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि वहाँ के जो डांस वगैरह हैं इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोरो एंटलर ही हिरण है की प्रजाति है वो केवल इंडेमिक है और केवल उसी एरिया के नेशनल पार्क है, केबुलम जो नेशनल पार्क उसी में पाई जाती है, और इंडेंजर्ड सब स्पीसीज भी है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं इसके बारे में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है करतारपुर कॉरिडोर के लेके। देखो, बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि आपको बताया कि करतारपुर जो गुरुद्वारा है वो बेसिकली पंजाब की पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर बना हुआ है, और बेसिकली इंडिया के बॉर्डर के काफी क्लोज भी है, तो इसको देखा भी जा सकता है इंडिया के बॉर्डर से। तो अभी बात यह है कि इसका कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया है वो करतारपुर गुरुद्वारे तक, इंडिया से करतारपुर तक एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, और पाकिस्तान से सहमति मिल गई है तो वो कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसका फायदा क्या होगा कि इंडिया के जो भी तीर्थयात्री जो पिलग्रिम्स हैं वो बेसिकली करतारपुर गुरुद्वारा साल भर जाके आराम से आ सकते हैं, उनको दिक्कत है वो नहीं होगी। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहाँ पे दो चार छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। जैसे एक तो जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है वो है कहाँ पे, तो यह ध्यान रखना है कि रावी नदी के किनारे पे बेसिकली बना हुआ है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि कौन सी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। और आपको पता है कि जो सिखों के गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने बेसिकली अपने लास्ट के 18 साल है जब उनकी डेथ हुई थी 1539 में, तब तक वो यही गुरुद्वारे में रहती हैं इसी जगह पे। इसके बाद इसको गुरुद्वारे के तौर पे रखा गया था। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो भी पिलग्रिम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो होली सुरंग के तौर पे पूरे साल भर इसको विजिट है वो कर सकेंगे इंडिया से। और बेसिकली ध्यान रखना है कि लाहौर से नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से 120 किलोमीटर दूर है। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू भी आ रहा है इसमें। इश्यू ये आ रहा है कि देखो, आपको पता है कुछ टाइम पहले ही प्रो खालिस्तान कैंपेन चल रहा था, और उसके अंदर जो करतारपुर गुरुद्वारा है यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे, और उसमें बात की गई थी कि जो कैंपेन एक चलाने की बात की गई थी जिसका नाम था सिख रेफरेंडम 2020, ताकि सिखों को वापस से कलेक्ट किया करें और एक खालिस्तान की नए देश की मांग है वो की जा सके। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के हित में नहीं है। तो इसमें इश्यू ये आ रहा है कि अगर ये गुरुद्वारा को
अगर सॉरी ये कॉरिडोर बनता है तो इसमें जो नॉन स्टेक होल्डर या फिर जो आप बोल सकते हो कि असामाजिक तत्व हैं वो इसका मिसयूज या इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं धर्म की भावना या हमारे देश की सोवरेनिटी को भी इश्यू है वो हो सकता है। तो ये इसमें एक छोटा सा इश्यू है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सी बॉक्स के बारे में। देखो सी बॉक्स की फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है बेसिकली, वैसे तो काफी टाइम हो गया इसको लॉन्च किए हुए बट अभी इसको मर्ज किया गया और एक तरीके से यूनिफाइड वे में इसको अभी स्टार्ट है वो किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी सी बॉक्स। सी का मतलब हो गया यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स का मतलब बॉक्स सही है। तो बेसिकली है क्या और कौन सी मिनिस्ट्री का, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। देखो बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च वो किया गया है। अब क्यों लॉन्च किया गया है इसके लिए, देखो इसे लॉन्च इसलिए किया गया है कि हमारे देश में जो वुमेन है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि वुमेन के साथ वर्क प्लेस में काफी भेदभाव होता है, उनको सेक्सुअली हरासमेंट या सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है काफी बार, इसलिए वो जॉब वगैरह नहीं करना चाहती और हमारे देश में जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़े, इसलिए महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी काफी सुनिश्चित हो जाती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पोर्टल बनाया है ताकि कोई भी वुमेन जो कि वर्क प्लेस में अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, उसे ऐसे लग रहा है कि उसके साथ मतलब मिसबिहेव हो रहा है सेक्सुअली लेके सेक्सुअलिटी को लेके, तो वो बेसिकली ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है www.wcd.ss.nic.in। तो इस पोर्टल पर जाके कंप्लेन है वो दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद में होगा क्या, वो कंप्लेन रिलेटेड अथॉरिटी को भेज दी जाएगी और उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन किया जाएगा और इसमें पारदर्शिता को भी रखा जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें फोकस रखा गया है। इसके साथ ही जो कंप्लेन होगी उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। इसके लिए इंटरनल कंप्लेन कमेटी भी बनाई गई है जो कि सभी जो भी अपनी मिनिस्ट्रीज हैं वो इसको लेकर कंप्लेन वगैरह को सोल्व है वो करेंगी। तो ये ध्यान रखना कि सी बॉक्स बनाया किस लिए गया है, ताकि सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है अगर वुमेन की वर्क प्लेस पे तो उसको एड्रेस करने के लिए। इसके लिए देखो अहम बात क्या है, इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, तो वो एक्ट भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। तो वो कौन सा एक्ट है वो भी देख लेंगे। इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिएड्रेसल एक्ट 2013। तो 2013 में एक्ट बनाया गया था, उसके बाद बेसिकली पोर्टल है वो बनाया गया ताकि वुमेन्स की सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके। प्रोसीजर क्या होगी, इस पोर्टल में कंप्लेन है वो दर्ज करवाई जाएगी, इसके बाद जो कंप्लेन है वो जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी अथॉरिटी से रिलेटेड है वहाँ पे उसको मतलब ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी है वो उसकी इंक्वायरी वगैरह करेगी और उसके बाद में जो भी दोषी है उसको उचित कार्रवाई है उसको उचित दंड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये बेसिकली सी बॉक्स के बारे में कंटेक्स्ट वो पोर्टल हमने देखा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एक्रोस के बारे में। क्या है एक्रोस देख लेते हैं। एक्रोस का यहाँ पे मतलब है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। देखो बेसिकली आपको कंटेक्स्ट बताऊं, कंटेक्स्ट कुछ ये है कि कैबिनेट कमेटी ने अभी अप्रूवल दिया है कि जो 9 सब स्कीम चलाई जा रही है हमारे देश में किसको लेके, एटमोसफेयर को लेके, तो उनको सबको मर्ज किया जा सके। जिस तरीके से देखो SBI के जो 5 एसोसिएट बैंक थे उनको मर्ज करके SBI में मिला दिया गया था, उसी तरीके से जो 9 सब स्कीम चलाई जा रही थी जैसे एटमोसफेयर और क्लाइमेट को लेके, उन सबको मर्ज करके एक ही स्कीम में है वो फोकस करने की बात है वो की गई है और उसका नाम है यहाँ पे एक्रोस। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उस अम्ब्रेला स्कीम का नाम क्या होगा, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है 2017 से 20 तक इस काम को कंप्लीट है वो किया जाएगा। जिस तरीके से SBI के सारे बैंकों को मिला के नाम SBI रखा गया है, उसी तरीके से अब जो बाकी सारी स्कीम थी उनको मिला के और उसका नाम एक्रोस रख दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री का बेसिकली प्रोजेक्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है। देखो देखने में लग सकता है आपको कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो या कोई सी और हो, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक प्रोग्राम है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंस है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। अब होगा क्या इस स्कीम में, देखो इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में जो वेदर को लेकर और जो क्लाइमेट सर्विसेज हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। पहले क्या होता था, देखो अलग अलग स्कीम होती थी तो उसमें क्या होता था, आपस में लिंकेज नहीं हो पाते थे। तो जैसे मान लो कि बाढ़ आई तो जिस भी स्कीम का काम या जिस भी डिपार्टमेंट का काम है कि हाँ भाई बाढ़ आ रही है तो इससे पहले अलर्ट है वो करना है, तो कई बार मैसेज डिले हो जाते थे तो उसकी कंडीशन में लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती। अगर आप खुद देख सकते हो कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और इसके बाद जिस भी बॉडी को काम करना है राहत के लिए वो बॉडी भी काम नहीं कर रही है, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि सिस्टम मिसमैच हो रहा है
और उसकी वजह से काम है वो ढंग से नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए एक ही स्कीम के अंदर सबको मर्ज कर दिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके, और इसी के साथ जैसे साइक्लोन के लिए वार्निंग हो, स्टॉर्म के लिए भी अलर्ट करना हो, या फिर हीट वेव जैसे कि आपको पता है लू वगैरह आ रही हो या फिर थंडर स्टॉर्म वगैरह हो, उनसे निपटने के लिए काफी अच्छे से काम है वो किया जा सकता है और उनको अच्छे से एड्रेस है वो किया जा सकता है। तो ये बेसिकली कंटेक्ट था जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है वर्ल्ड फिशर्स डे को लेके। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशर्स डे है वो आयोजित किया जाता है। अब देखो इसका मेन मोटो क्या है, वर्ल्ड फिशर्स डे का मेन मोटो यह है कि देखो हेल्दी ओशन इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि देखो अगर हमारी लाइफ को इंश्योर करना है, हमें ढंग से रहना है, आप बोल सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, तो ओशन के ऊपर ओशन में हमारे काफी सारे रिसोर्सेज हैं और वहां पे हमारी फूड सिक्योरिटी को भी हम सुनिश्चित करते हैं, तो इसलिए हेल्दी इकोसिस्टम होना चाहिए ओशन का, तभी हमारी लाइफ और अच्छे से हो सकती है। इसके साथ ही जो सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशर्स है उसको सुनिश्चित करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली वर्ल्ड फिशर्स डे है वो आयोजित किया जाता है। अब देखो अहम बात करें कि फिशर्स का हमारे देश में ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो जो वर्ल्ड फिशर्स डे है इसकी बात करें तो हमारे देश में जो फिशिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश की जीडीपी में और हमारे देश के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने में। हमारे देश में एक तो लोगों को रोजगार दिलाना, आप देख सकते हो कि कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं मैक्सिमली वो फिशिंग वगैरह करके ही अपनी आजीविका को चलाते हैं। इसके साथ ही हमारे देश में तालाब वगैरह में भी फिशिंग वगैरह की जाती है और उससे भी लोगों को काफी अच्छी आमदनी है वो होती है। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड चेन के लिए भी काफी अहम हो जाते हैं मरीन प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया वर्ल्ड फिशर्स डे के इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। अब देखो हम बात करें कुछ डाटा है कि हमारे देश की जीडीपी की बात करें तो जो फिशरीज डिपार्टमेंट है इसका हमारे देश में लगभग जीडीपी में बात करें तो 1.07% जो वेटेज है वो तो जीडीपी में अकेला फिशर्स या आप बोल सकते हो कि मरीन प्रोडक्ट का ही है। इसके साथ ही हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज है उसके अंदर देखा जा सके तो 5.3% है वो बेसिकली एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पे डिपेंड है वो करता है। तो ये कुछ डाटा दिया गया था, तो आपको अगर एग्जाम में कुछ ध्यान हो तो हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है यूएन इन्वायरमेंट अवार्ड को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट है उसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है अभी रिसेंटली, किसको दिया गया वो भी हम देखते हैं। उसके द्वारा हमारे देश की जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है WCCB जो कि आता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसको बेसिकली एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? अवार्ड का नाम है एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018। ये तो है बेसिकली कंटेक्स्ट। तो देखो पहले हम ये जानते हैं कि एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018 है क्या, तब हम और चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली जो ये अवार्ड है ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है या फिर गवर्नमेंट को दिया जा सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है या फिर किसी टीम को दिया जा सकता है। किस लिए? अगर उन्होंने एक्सीलेंस मतलब उन्होंने काफी एक्सीलेंट काम किया है, एक्सीलेंस एंड लीडरशिप का काम किया है। किस लिए? कोई भी जो भी नेशनल के नेशनल लॉज हैं उनको ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट क्राइम है उनसे निपटने के लिए। तो बेसिकली इसके क्राइटेरिया है कुछ, कौन से क्राइटेरिया है इनमें देखो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया को कौन से क्राइटेरिया के लिए अवार्ड है वो दिया गया है। तो बेसिकली क्राइटेरिया है यहाँ पे एक तो है कोलेब्रेशन, दूसरा है इम्पैक्ट, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है इंटीग्रिटी और चौथा है जेंडर लीडरशिप। और इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB उसको बेसिकली इनोवेशन के लिए अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट। तो हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया को जो एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड दिया गया है वो इनोवेशन के क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो ये तो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर ली कि किस लिए इंडिया को अवार्ड है वो दिया गया है। अब ये अवार्ड देखो इंडिया को इसलिए दिया गया है क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसने इनोवेशन के अंदर काफी अच्छी तरीके से पहल किया, काफी अच्छे कदम उठाए हैं हमारे देश के सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इन्होंने वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था ऑनलाइन, जिसका बेनिफिट ये था कि कहीं से भी हम मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं जानवर वगैरह को, और जो भी क्राइम हो रहा है उनसे निपटने के लिए हम उचित समाधान है वो ले सकते हैं। तो एक तरीके से रियल टाइम जो डाटा मॉनिटरिंग है उसके लिए बेसिकली उन्होंने पहल उठाई और उसको लेके इनको बेसिकली इनोवेशन के क्षेत्र में एशिया इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ जैसे इन्होंने काफी सारे प्रोग्राम चलाए थे, ऑपरेशन सेव कुर्मा, ऑपरेशन थंडरबर्ड, इसके साथ वर्ल्ड नेट, इसके साथ ही यहाँ पे बेरबल, और इसी के साथ ही थंडर स्टॉर्म, और इसी के साथ ही यहाँ पे लखनऊ सेगमेंट। आप ये बताइए कि सेव कोरमा ऑपरेशन किस लिए था? काफी न्यूज में था। थंडरबर्ड ऑपरेशन के बारे में आपको बनाना है, थंडर स्टॉर्म ऑपरेशन क्या है, इन तीनों ही ऑपरेशन के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किससे रिलेटेड है। देखो हमारी जो करंट अफेयर की जो सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसके साथ ही हम बात करें कि हमारा जो डेली डिस्कशन होती है क्वेश्चंस की वो भी कंटिन्यू चल रही है।
तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, और जो क्वेश्चंस की सीरीज चलती है टेस्ट सीरीज वाली, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके और लोगों को भी उसके बारे में बताएं, ताकि सबको अच्छे से बेनिफिट उसका मिल सके। और अगर उसमें और भी कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उन भी इश्यूज को एड्रेस है वो वहां पे किया जा सके। अब हम देखते हैं एक छोटा सा फैक्ट और यहाँ पे होता है, वो होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, यानी कि WCCB के बारे में भी हम थोड़ा फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखो बेसिकली तो एक स्टेचुरी बॉडी है, इसमें एक छोटा सा फैक्ट यह काम का है कि कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो यह ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत बेसिकली इसको बनाया गया था। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि NGT नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल की बात यहाँ पे की जा रही है, कि NGT के ज्यूरिडिक्शन में आता है नहीं आता, आप ये बताइए। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो या फिर WCCB, या फिर हम बात कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि NGT के ज्यूरिडिक्शन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आता है या नहीं आता, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो NGT काफी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, और उस पर UPSC की नजर काफी ज्यादा रहती है, और वो सुर्खियों में भी रहती है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वो इन्वायरमेंट को लेके बॉडी है, और हमारे देश में इन्वायरमेंट को लेकर काफी इश्यूज हैं, इसलिए उस पर क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। इसका काम क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है, कि जो भी वाइल्ड लाइफ या जंगलों के अंदर जो भी क्राइम हो रहा है, जंगली जानवर हो या फिर आप पेड़ पौधे लेके, उन क्राइम का डाटा बैंक तैयार करता है, कोऑर्डिनेशन तैयार कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह करने के सारे काम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किए जाते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है वो भी आपको ध्यान रखनी है, कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बेसिकली है आती है। तो ये तो थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने संगाई फेस्टिवल के बारे में जाना, जो कि मणिपुर को लेकर था। इसके बाद में हमने करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जाना, जो करतारपुर गुरुद्वारा पंजाब में है पाकिस्तान के, और इसी के साथ ही वो रावी रिवर के किनारे पे बना हुआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे सी बॉक्स पोर्टल के बारे में जाना, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक्रोस स्कीम के बारे में जाना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की क्लाइमेट चेंज को लेके स्कीम है, वो लाई गई थी। इसी के साथ हमने यहाँ पे वर्ल्ड फिशर्स डे जाना, कि हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशर्स डे आयोजित किया जाता है, और बेसिकली इसमें फूड सिक्योरिटी और इम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित है वो किया गया है। इसके साथ हमने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट अवार्ड के बारे में जाना, कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट अवार्ड है वो बेसिकली इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसको दिया गया है। कि कौन सा अवार्ड का नाम क्या है, अवार्ड का नाम है एशिया एनवायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड, और कौन से सेक्टर में दिया गया है, इनोवेशन कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड कौन से सेक्टर के लिए दिया गया है। आपको ये बताना है कि ऑपरेशन सेवकोरमा, ऑपरेशन थंडरबर्ड और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म वो किससे रिलेटेड है, इनके बारे में आपको बताना है। और बाकी आपको टाइम हो तो बाकी और ऑपरेशन के बारे में भी आप जाके गूगल करके देखिए कि ये ऑपरेशन किस किस से रिलेटेड है, क्योंकि इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके साथ ही हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जाना, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया था। इसके साथ ही हमने एशिया एनवायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड के बारे में जाना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।